हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप जो मेरे वीडियोस में मॉर्निंग का व्यू देखते हैं, एक्चुअली जो मेरे सुबह की शुरुआत होती है वो हमेशा सनराइज़ को देखते ही होती है। मुझे सुबह का जो सूरज उगता है उसे देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अर्ली मॉर्निंग जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ लंगूर है, कुछ बंदर है, और मोस्टली जो चिड़ियाएँ होती हैं ना, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। तो मतलब मॉर्निंग में बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और देखिए, ये मुझे एक फैमिली मिली है, इसमें ये चार लोग हैं और ये फैमिली ही है, क्योंकि इनके इन चारों के साथ में और कोई लंगूर नहीं थे। सो मैंने देखे तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। मतलब ऐसी चीज़ देखे बहुत अच्छा लगता है। देन मैंने ये पिया है, ये बुरास का एक फूल होता है, उसका जूस है, मैंने इस मॉर्निंग में उसका जूस पिया। तो गाइस, मोर आपका समय है, उसका भर्ती हो रहा है तो ना, इसलिए मैंने नहा धो के अच्छे से बाल बना लिए। मैं सोचा वीडियो बनाने से फिर शाम को वीडियो बनाने के लिए एडिट का समय ही नहीं मिलता। तो गाइस, इन्हें रेडी हो गए हैं, तो मैंने पहनी है ये वाली फ्रॉक, और अब मैं मैच बनाई है ये वाली हेयर स्टाइल, जो मैं आपको ऐसे दिखाऊँ। ये है मेरी वाली हेयर स्टाइल, और ये बनानी मैंने 2 मिनट में। इसका अगला भाग देख ले, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, अगले पार्ट में। कल कहाँ गए थे? कल ना मूवी देने थी, पठान वाली मूवी। पठान नहीं, सलमान खान है। सॉरी, सलमान खान की मूवी थी। मैं ना बोर हो गई, पहले तो बर्गर लाए, कोल्ड ड्रिंक लाए, जो फ्रेंगरशिप के चटनी होते वो लाए, लाल चटनी, हरी चटनी, 4 बर्गर। और आपका मन कैसा लगा वो बताओ। मेरा मन तो बस वही खा के लग गया था, तो मैं अभी आई हूँ खाना। पॉपकॉर्न और क्या खाया था वो बताओ ना। पॉपकॉर्न खाया था, कोल्ड ड्रिंक खाई। तो मन लगा ना आपका? हाँ, तो मन लगा मेरा। मैं कुछ खाने और पीने भी लाई थी, तो मैंने चॉकलेट शेक ऑर्डर किया है, ये पसंद है। मैं बहुत बोर हो रखी हूँ। क्यों बोर की हुई है? स्कूल से आया, कोई बोर होता है? चलो फिर आगे। अरे जाओ ले आ, इसके लिए भी ला दो फिर ऐसा ही। रहन दो, रहन दो। अरे खड़े पड़े तो क्या रहने हैं। हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, आ जाओ। बड़े वाले थे ना, बड़े वाले मैंने लिए नहीं। बड़े मैं इसको खुद ज्यादा नहीं देती हूँ। अरे इसको जलिया बहुत पसंद है, पता है? मेरा छोटा वाला नहीं खाता, इसलिए तो नहीं लिया मैंने। एक ही लिया, वो नहीं हाथ लगाता। दिगांश तो जली नहीं खाते ना। वेरी गुड। ये दिगांशु के स्कूल से आने के बाद हमने बनाई थी लस्सी, और हमने सोचा चलिए एक लस्सी, ये दिगांशु ने खुद ही बनाई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लस्सी बनाई है। कभी हम जब दिगांशु स्कूल से आते हैं तो कभी हम लस्सी पीते हैं, कभी रूह अफ़ज़ा का पानी, कभी ग्लूकॉन डी, तो ये थक के आती है तो इसको कुछ ठंडा ठंडा पिलाओ। मतलब फ्रिज का ठंडा नहीं है, मैं फ्रिज का ठंडा प्रेफर नहीं करती हूँ। एक्चुअली ये होता है जो नॉर्मल वाटर होता है ना, वो वाला वाटर। कैसा रहा दिगांशी? टेस्टी रहा, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको अपने फैमिली की एक न्यू मेंबर से मिलाना चाहती हूँ। ये है मेरी भूरी, इसका नाम मैंने भूरी रखा है क्योंकि मुझे भूरी नाम बहुत पसंद है। इसके लिए ये नाम, इस पर ये नाम बहुत ज़्यादा सूट भी करता है। और ये ऐसे ही थोड़ा खेली थी तो मैंने सोचा वीडियो में से भी कैप्चर कर लें। और देन यहाँ पर हम फिर से विशाल से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बहुत अच्छे ऑफर चले हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सामान लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलिए वो भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लाए थे 99 रुपीज़ में ये चाय के कप, और ये सारे ऑफर में ही चले थे। इससे जो थोड़े बड़े वाले चाय के कप थे वो 199 के थे। तो आजकल गर्मियों में उतना कोई चाय पीता है नहीं, तो मैंने कहा 99 में ये अच्छा ही मिल रहा है तो ये लेते हैं। देन उसके बाद हम लेकर आए हैं कि चीनी चाय पत्ती के जो होते हैं ना स्टील वाले कंटेनर, वो क्योंकि प्लास्टिक के कंटेनर वैसे भी कम ही यूज़ करने चाहिए, तो हम ये स्टील वाले लेके आए हैं। काफ़ी समय टाइम से था कि लाएं, ये आई थिंक 199 के हैं। विशाल में मोस्टली ऑफर यही चल रहा है। और ये चाय की छन्नी 199, 200 और 250, मतलब मिनिमम इसी रेंज में आपको सब मिल जाएगा। और ये नाइफ़ का एक सेट लाए हैं, सो ये हमने यूज़ कर लिया है, जिसमें ये बड़ा वाला नाइफ़ है, काफ़ी अच्छा है ये। इससे छोटा वाला उतना मुझे ठीक नहीं लगा, और जो सबसे स्मॉल वाला है वो भी काफ़ी सही है।
और ये वाले प्लास्टिक के कंटेनर ला गई थी मेरी छोटी वाली सिस्टर, हमें लाने तो थे नहीं बट वो ला गई थी, तो हमने कहा चलो ठीक है अभी ले आते हैं, ला गए हैं तो अब वापस करने कहाँ जाए। उसके बाद जब हम स्टील वाले लेंगे तो इनको हम हटा देंगे या किन्हीं को दे देंगे। सो उसके बाद घर में आ गई थी मामी और हमने बनाई थी उनके लिए वेज बिरयानी, और इसमें मैंने जो लॉन्ग ग्रेन राइस होते हैं उनको यूज़ ना करके एक अंगूरी राइस होता है वो यूज़ किया था, और फटाफट से फ्राई करके मैंने उनके लिए बिरयानी बना दी। और अगर इस बिरयानी का पूरा वीडियो आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, वहाँ मैं फुल वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट एक बार ज़रूर करिएगा। देन बनाने के बाद बिरयानी जैसी रेडी हो गई थी, उसके बाद थोड़े से अनियन डाले, हाँ ये थोड़े से मतलब ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे बट यार टेस्ट सही आ रहा था। और फ्रेंड्स मामी जब भी आती है तो आलू के जो गुटके होते हैं और पूरी होती है वो ज़रूर लेकर आती है, एक्चुअली ये ट्रेडिशन ही है हमारे वहाँ, किसी के वहाँ जाओ तो इसको अच्छा मानते हैं तो लेकर जाते हैं। और देन इसके बाद हम मामी ने सबको सर्व किया और हमने इंजॉय किया। सो आगे का वीडियो आप देखिएगा पूरा, और लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। प्रिंसेस गोभी भी खाओ बेटा, क्या जल गया? मन तो करता एक इंजन पकड़ते उतरो उतरो, चलो चलो, हमारा स्टॉप आ गया, स्टॉप आ गया, इसी ट्रेन में जाना था तुम लोगों को, लो पकड़ो। अरे तू और दे आती
ये अपना पीठ पीट के दिखा रहे हो। हाँ बोल 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 रुक जाओ। योली ले ले गुड़े, योली अच्छी होती है, असली आम योली अच्छी होती है। हाँ ले ले जो मन करे, मेरे लिए ये असली आम ले ले जा। कौन सा वाला है फिर, कोई आम है मुझे सिर्फ ये पंजाबी कुल्फी मिल पाई है मेरी, मतलब हम सबको पंजाबी कुल्फी मिली है। चलो आगे देख लो फिर, रहन दो आगे आगे देख रहे हैं। अरे इधर पे आना, क्या लिया वो क्या लेंगे।
मुझे वहाँ मिले थे कच्चे आम, सो मैंने कहा कच्चे आम की चटनी बनाती हूँ। तो उसमें मैंने डाला हरी मिर्च, पुदीना, कच्चा आम और हरा धनिया। देन सबसे पहले मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे मिक्सर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे मिक्सी में चटनी बनाना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आम को जो अच्छे से है वो क्रश कर लिया, देन उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला ताकि मुझे पीसने में इजी हो। और उसके बाद डाला है मैंने पुदीना, ये फ्रेश पुदीना है, ये मैंने अपने छत में एक कंटेनर में लगाया हुआ है तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। और देन धनिया, और इसमें डाली है मैंने लाल हरी मिर्च, और देन नमक थोड़ा सा और डाला, देन मैंने पीसना शुरू किया। थोड़ा सा मेहनत लगता है बट इसका टेस्ट जो मिक्सर का है ना चटनी उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जो इसका कलर भी होता है काफ़ी अच्छा इन्हेंस होके आता है क्योंकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। आप कभी पीस के देख लीजिएगा। और ये चटनी आप अगर एक दिन तक भी रखेंगे तो नॉर्मल इसका कलर उतना चेंज नहीं होगा, और इसे ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। देखिए इतना ठीक है हमारा ये चटनी, और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा यम होता है आम की चटनी का, और गर्मियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आम की चटनी, आम का पन्ना कभी ट्राई करिएगा। गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ देती है आपको गर्मी से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका कलर, और मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आई। और देन ये छोटी ने बनाया था वेज पुलाव, उसके संग मैंने डाली है अपनी चटनी। मेरी छोटी वाली सिस्टर वेज पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सैलेड के तौर पे सिर्फ लिया ककड़ी, और इसमें भी मैंने हरी मिर्च और नमक को सिलबट्टे में ही पीस के देन इसके ऊपर से कोट किया है, और इसका टेस्ट सीरियसली बहुत ज़्यादा यम हो रहा था।